क्या कर रहे हैं आप? ये लीजिए, पूरे 56 भोग हैं, सब के सब तैयार कर दीजिए, और अगर कुछ याद आए तो वो भी तैयार कर दीजिएगा। युवराज, आपको महाराज ने बुलाया। तुम चलो, हम आते हैं। उम्मीद है कि आपका खाना आपकी दोस्ती से बेहतर होगा। अब जाइए, उनके साथ समय बिताइए। ये रिश्ता हर हाल में होना ही चाहिए। युवराज ने हां तो कह दिया है, पर ना जाने क्यों हमें उनकी हां पे विश्वास नहीं हो रहा है। युवराज और रूपलेखा का एक दूसरे को पसंद करना आपकी जिम्मेदारी है बड़ी रानी। महाराज, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और युवराज भी आपको निराश नहीं करेंगे। आप देखिएगा, रूपलेखा उन्हें जरूर पसंद कर लेंगी। सब ठीक होगा, महल पे अब कोई संकट की घड़ी नहीं आएगी। मामूली प्यादों ने बहुत देर बिसात बिछा ली, अब बड़ी चाल चलने का वक्त आया है। हम जानते हैं कि ये राजमहल परिवार की दीवारें बहुत मजबूत हैं। बाहर से आने वाले हर वार को सह सकती है, पर अगर वार अंदर से किया जाए तो अब अनामिका अपने सबसे बड़े हथियार को महल के अंदर भेजेगी। हमारी शादी से कुछ महीने पहले दीदी हिमालय पर तप करने चली गई थी। हमारे अलावा इन्हें किसी ने नहीं देखा। आइए, मैं आपको सबसे मिलाता हूं। आइए दीदी। दीदी, ये हमारी धर्मपत्नी बड़ी रानी मैथिली। और ये है छोटे राजा की पत्नी छोटी रानी चारुलता। हम इस राज परिवार का एक हिस्सा बन गए और इन्हें पता भी नहीं चला। जानती हो माया, राह अगर कांटों भरी हो तो जूते पहनकर चला जा सकता है, लेकिन अगर एक छोटा सा कांटा भी जूते के अंदर आ जाए चलना बहुत मुश्किल होता है। अंदर से किया गया वार बहुत खतरनाक होता है माया, इसीलिए तो हम इस महल के अंदर आए। कैसे भी करके हमें नागमणि तक पहुंचना होगा। इस महल के हर राज को जानना होगा, एक एक कोना तलाशना होगा। से खाली नहीं, कभी भी कोई भी आपको देख सकता है। रक्षिका, आप जानती हैं कि हम हर समय इंसानी रूप में नहीं रह सकते। कुछ समय ऐसे भी होते हैं जब हमें अर्धनागिन रूप धारण करना पड़ता है। इस समय आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था। अगर किसी ने आपको देख लिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा।
अच्छा बताइए आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं आपको ये आवाज नीची मैं आपको ये बताने आई हूँ कि देव रक्षिका इस समय युवराज के पास नहीं है। युवराज पर हमला करने का सही समय यही है। बड़े राजा, नागिन को घर में बुलाने की बेवकूफी तो कर, अब घर में बुला ही लिया है तो उसका अब अंजाम भी देख लीजिए। जय श्री।